हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आपको हम लेकर आए हैं अपने खेत में, जहां नेनुआ और लौका के खेती किए हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अपने खेत के अंदर ले जाकर कि इसकी खेती कैसे होती है, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और पौधे कितने स्वस्थ हैं, उत्पाद कैसा आ रहा है, इसकी जानकारी हम देंगे और इसको हम करके दिखाएंगे। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का कुछ व्यू दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये लौका और नेनुआ का ये मचान है, इसकी बिनावट की जाती है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि ये मचान कैसे टिका रहता है हवा में और इसकी बिनावट कैसे होती है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है सपोर्ट, ये मचान का सपोर्ट है जो इसे नीचे आने से रोकता है। ऊपर दिखाओ, ये इसे नीचे आने से रोकेगा। और सबसे पहले हमने क्या किया है, ये बांस का खंभा हमने गाड़ा है, लगभग 15-15 फीट की दूरी पे। एक बांस सपोर्ट यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, एक खंभा बांस का यहाँ पे है और ठीक इससे 15-17 फीट की दूरी पे दूसरे बांस का खंभा हमने यहाँ डाला है। और ये जितने भी सपोर्ट हैं बांस के, इन सबों के बीचों बीच ये मेटेलिक वायर गुजरा हुआ है जो काफ़ी मजबूत, और सबसे ज़्यादा भार सहने की क्षमता इसी मेटेलिक वायर में होती है। और इसी को हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर, मेन बेस स्ट्रक्चर इससे तैयार किया है। और उसके बाद हम लोगों ने जो गैपिंग बीच में आया है, उस गैपिंग को भरने का काम किया है प्लास्टिक के धागा से। ये प्लास्टिक का रस्सी है, पतली पतली रस्सियां हैं, इसी रस्सी से हम लोगों ने बिनावट की है। और बीच का जो खाली स्थान बच गया था उसको हम लोगों ने भरने का काम किया है, ताकि ये जो लत्तड़ है, देखिए यहाँ पर ये जो लत्तड़ है और ये इसकी टेंटिकल्स, इसको लपेट कर इसी का सहारा लेकर के इस पर चारों तरफ फैलेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये नीचे की तरफ आ गया है, इसे हम लोगों को इसको ऊपर चढ़ाना होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये काफ़ी कोमल होते हैं, इन्हें काफ़ी सावधानी पूर्वक चढ़ाना होता है, नहीं तो ये टूट भी सकती है। और ऐसे ही जालनुमा अवस्था में ये मचान होता है और इसी पे ये लत्तड़ ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ाने से हम लोगों को फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन पे रहने के अनुपात में ऊपर जब ये लत्तड़ रहता है तो कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम हो जाता है, बीमारियां कम लगेंगी, फल जो होगा बिल्कुल सीधा और ज़मीन के कॉन्टेक्ट में नहीं होने से वो फ्रेश तरोताज़ा एकदम फल होगा। देखिए, आप देख लीजिए, ये देखिए कितना फ्रेश है, एकदम बिल्कुल बराबर एक कलर में है। और यही जब ज़मीन पे होता तो ज़मीन के संपर्क में आने से इसमें क्या होता है कि ज़मीन से सटे हुए भाग में कलर दूसरा और बाकी का कलर दूसरा हो जाता, और खरपतवार के भी इसमें सटने से इसमें छोटा छोटा दाग धब्बे आने का संभावना थी। तो अब ये मार्केट में जाएगा तो ग्राहक इसे
काफ़ी पसंद से इसे खरीदारी करेंगे। तो ये है हमारा मचान और इसी पे हम लोगों का खेती होती है। जमीन से 5 से 7 फुट ऊंचाई पे होती है। और चलिए आपको अब हार्वेस्ट करके दिखाएंगे। कितने लोग इसे निकाले? देखिए एवरेज साइज लोका का यही है। ये लगभग 1.5 फीट के आसपास का लोका है। लगभग 35 लोका का हार्वेस्ट हुआ है हमारे इस बगान से। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।